कक्षा चार की ऑनलाइन कक्षा का आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, तो पहले हम गणित विषय का अध्ययन करते हैं। तो गणित में मैं आपको म से पर आधारित सवालों को हल करवा रहा था, तो निम्न का म से ज्ञात कीजिए, निम्न का म से ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवाल है, 18 और 48, दूसरा है 18, 54 और 81। तो पहले हम पहला सवाल जो है 18 और 48 इसको हल करने का अभ्यास करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि म से को जब आप करते हैं तो दी गई संख्याओं को हम पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले है 18, तो 18 के अंदर सबसे पहले किसका भाग लगेगा, 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, कितनी बार गया, 9 बार। अब 9 में 2 का भाग जाता नहीं है तो किसका जाएगा, 3 का। अब कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, कितनी बार गया, 3 बार। फिर 3 के अंदर 3 एकम 3। अब इसी प्रकार से 48 का करना है, तो सबसे पहले वही 2 का भाग। अब 48 से आप सीधा नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बताया था आप रफ के अंदर भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 दूनी 4, 8 उतरा, 4 दूनी 8, कितनी बार, 24 बार। फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब हो गया 12। तो 12 कितने बार आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 6 बार। फिर 2 का बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, और फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से आपको इनका अलग अलग पहले हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिया, अब हम इनके बनाते हैं युग्म। देखिए 18 और 48, अब देखिए 2 इंटू, अब इसमें देखिए 2 4 बार है तो हमारा समूह सही बने, इसलिए हमने यहाँ पे 3 डैश कर दिया। फिर इंटू 3, 48 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश। अब इसमें देखिए एक समूह ये बन रहा है, एक समूह ये बन रहा है, यानी टोटल पूरे में 2 समूह बन रहे हैं, 1 2 का बन रहा है और 1 3 का बन रहा है। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः 18 और 48 का म से अब इस समूह में से हमने 1 अंक ले लिया, 2, 1 हमने इस समूह में से ले लिया, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से म से के सवाल को हल करना है। अब इसमें देखिए 3 अंक है, 18 है, 54 है और 81 है, तो इसमें कैसे करना है, तो इसमें आप तीनों संख्याओं का पहले अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 18, तो 18 का तो देखो अभी हमने निकाला था, ये रहा पास में, पहले 2 का भाग देंगे, 18 आता है 9 बार, फिर 9 में 3 का, 3 3 9, और फिर 3 3 एकम 3। फिर है 54, सबसे पहले देखिए पीछे 4 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, आप यहाँ पे भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 2 दूनी 4, 1 बच गया, 4 उतर गया, तो कितना हो गया, 14, 2 के पाड़े में 14 कितनी बार आता है, 7 बार, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 27।
अब दो का भाग 27 में नहीं लगता, तो तीन का लगाइए। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, तीन पंद्रह पंद्रह, तीन छः अट्ठारह, तीन सत्तर इक्कीस, तीन अठे चौबीस, तीन नवे 27। कितनी बार गया? 9 बार। और 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। और फिर बच गया 3, 3 एकम 3। अब अंतिम संख्या है हमारे पास 81। अब इसमें देखिए, इकाई का अंक 1 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा क्या? तो दोनों को जोड़ लो, देखो 8 और ये कितने होते हैं? 9। और 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लगा के देख लीजिए, आप सीधा नहीं कर सकते। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 1 उतर गया, 21 हो गया। 3 के पहाड़े में 21 आते हैं, 3 सते 21, 27 बार कितना आया? 27। अब 27 का देखिए आपके सामने किया हुआ है यहाँ पे, 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 का देंगे तो 1 बार। तो इस प्रकार से अब हम बनाएंगे इनके समूह। सबसे पहले 18, दो इंटू तीन इंटू तीन, फिर 54 का, दो नहीं है इसके अंदर तो हमने डैश कर दिया, सॉरी है दो, तीन इंटू तीन इंटू तीन, अब ऊपर तीन नहीं है तो हमने गलत खाली छोड़ दी, डैश कर दिया। फिर 81, 81 में दो नहीं है तो हमने डैश कर दिया नीचे। तीन कितनी बार है? 4 बार, 1, 2, 3 और ये 4। इस प्रकार से हमने समूह बनाया। अब देखिए समूह किस किस का बन रहा है, तीनों के अंदर आने चाहिए एक ही संख्या, यानी सार्व गुणनखंड। एक तो ये 3 का, दूसरा फिर 3 का, अब नहीं बन रहा तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे अतः 18, 54 और 81 का मस। अब दोनों समूह में से एक एक अंक लेना है, 3 इंटू 3, और 3 को 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन मस के सवालों को हल करना है। इन दो को कॉपी में उतारो, फिर स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। अन्य पीरियड में हम और इस प्रकार के सवाल करने का अभ्यास करेंगे। अब इंग्लिश के पीरियड में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछले पीरियड में डेम ऑफ द मंथ कराया था, यानी वर्ष के महीनों के नाम, उसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक को किया था। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है डेज ऑफ द वीक। डेज मीन्स दिन, वीक मीन्स सप्ताह, यानी सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कितने होते हैं? 7 दिन। तो इन मीनिंगों को भी आपको कॉपी में नोट करना है और इनको याद करना है। तो देखिए सबसे पहले पहला दिन कौन सा? संडे, एस यू एन डी ए वाई। लिखने के बाद में इसको 3-4 बार क्या करना है? वापस दोहराना है, एस यू एन डी ए वाई, संडे। संडे मीन्स क्या होता है? रविवार, एस यू एन डी ए वाई, संडे। संडे मीन्स रविवार, एस यू एन डी ए वाई, संडे। संडे मीन्स रविवार। फिर संडे के बाद में क्या आएगा? एम ओ एन डी ए वाई, एम ओ एन डी ए
वाई मंडे, क्या आएगा मंडे, मंडे मीन्स क्या होगा सोमवार, मंडे मीन्स सोमवार, एम ओ एन डी ए वाई मंडे, मंडे मीन्स सोमवार। फिर क्या था सोमवार के बाद में मंगलवार, उसको हम क्या बोलते हैं ट्यूजडे, क्या बोलते हैं ट्यूजडे, टी यू ई एस डी ए वाई। ट्यूजडे, और ट्यूजडे मीन्स क्या होता है मंगलवार, क्या होता है मंगलवार, टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार, टी यू ई एस डी ए वाई ट्यूजडे, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। फिर क्या आता है बुधवार, बुधवार को हम क्या बोलते हैं वेनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेनेसडे। क्या बोलते हैं इसको हम वेनेसडे, और वेनेसडे मीन्स क्या होता है बुधवार, क्या होता है बुधवार, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई वेनेसडे, वेनेसडे मीन्स बुधवार। फिर क्या होता है गुरुवार, ट्यूजडे, टी सॉरी थर्सडे, बुधवार के बाद में क्या आता है थर्सडे, टी एच यू आर एस डी ए वाई, टी एच यू आर डी ए वाई थर्सडे। थर्सडे मीन्स गुरुवार, जिसको अपन बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बृहस्पति वार, टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे, थर्सडे मीन्स गुरुवार। फिर सिक्स नंबर, शुक्रवार के बाद गुरुवार के बाद क्या आता है शुक्रवार, शुक्रवार को हम क्या बोलते हैं फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। और लास्ट अंतिम सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार, एस ए टी यू आर डी ए वाई सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार। अब इन सात मीनिंग को आपको अपने कॉपी में नोट करना है और इनको याद करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।